ज़ौके नसीमा जानिब बता गुज़र कुन ज़िहवालम मोहम्मद रा ख़बर कुन ज़िहवालम मोहम्मद रा ख़बर कुन तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़िरुए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन ज़िरुए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन। मौज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान उसामा रज़ी हाज़िर खिदमत है फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से। रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन फ्रेश वे फूड्स के तआवुन से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपनाह फ़ज़ल व करम से हम तमाम अपनी 17वीं सहरी का एहतमाम कर रहे हैं और 17वें रोज़े को रखने की नियत करने के करीब करीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक को हमारे लिए बाईस रहमत बनाए, बाईस बरकत बनाए। अपनी खुसूसी दुआओं में हम तमाम को ज़रूर याद रखिए, फ्रीडम न्यूज़ की पूरी टीम को याद रखिए। मैं बिला तशबीह बिला तमसील तारुफ करवाता चलूँ, हमारे खूबसूरत तरीन सना ख्वा हरदिल अज़ीज़ मारूफ व मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, लेकिन शफकत फरमाते हैं, हम जब भी इन्हें याद करते हैं ये लबैक कहते हुए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने चले आते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम सना ख्वान रसूल मोहम्मद शाहनूर कासमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहनूर भाई कैसे हैं, सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार बुलाने के लिए बस उन्हीं की मदहा के लिए जो है आने का मकसद जो है उन्हीं की मदहा खानी है। बस अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल करें। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हमारी हाजिरी को भी कबूल फरमाए और अल्लाह इस मोहब्बत को भी कायम रखे। इसी मौके पर मुझे एक शेर याद आता है कि मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, ना तेरी है ना मेरी है। क्या बात है शानुर भाई, बहुत खूबसूरत शेर आपने अर्ज़ किया। मैं नाज़रीन किराम को बताता चलूँ, आज 17 रमज़ानुल मुबारक और इस्लाम में इस तारीख़ की बड़ी अहमियत है, ये तारीख़ बहुत अहमियत की हामिल है। इसी तारीख को नाज़रीन किराम ग़ज़वा बदर का वो अज़ीम मारका हुआ था जिसमें चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने जो है वो कसीर तादाद कुफार का मुकाबला किया और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उन्हें धूल चटाते हुए मैदान छोड़कर भागने पे मजबूर किया। और इसी ग़ज़वा में काफिरों का सरदार, वो सरदार जिसके लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अबू जहल, हकीकत एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये लफ्ज़ जारी होना था और आज तक उम्मत में उस शख्स को अबू जहल के नाम से याद किया जाता है, वो वासिल जहन्नुम हुआ था और इतना गुरूर और इतना तकबर जो है वो उसमें था कि मैं सरदार हूँ और मेरे मुकाबले कौन आएगा। और अल्लाह ने करनी ऐसी करी कि दो जो है वो बच्चे थे छोटे, हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत माऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गालबन जिन्होंने इस सरदार को जो है वो जो काफिरों का सरदार था उसको वासिल जहन्नुम किया। तो बहुत अहमियत की हामिल है यकीनन मुसलमानों ने जो बहादुरी का और जुरत का मुजाहिरा किया और बिलखसूस रोज़ा रख के रमज़ानुल मुबारक की 17वीं तारीख को रोज़ा रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए। तो अल्लाह पाक हमें भी उन बदरी साहबियों का सदका अता फरमाए। शानुर भाई कोई शेर याद आ रहा है इस मौके पर? तो इस मौके के हवाले से एक शेर जहन में आ रहा है, कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शेवा के जंगे बदर का नक्शा
हुजूर जानते हैं कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। वाह, बेशक ऐसा ही है। और मुझे जो इस कलाम में शानूर भाई एक बहुत खूबसूरत शेर है कि साइंस का एक ना पूरा प्रोसेस है कि बारिश होती है, फिर वो पानी ज़मीन में आता है और किस तरह ज़मीन उसको जज्ब करती है, एक पूरी एक साइकिल। तो शायर कहता है ये सारे प्रोसेस अपनी जगह। तो लिखते हैं कि ज़मीन से तो निकाला गया है पानी बहुत, ज़मीन से तो निकाला गया है पानी बहुत, ये उंगलियों से बहाना हुजूर जानते हैं। शानूर भाई कैसे गुजर रहा है रमजान मुबारक? यकीनन आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज़ को कि एक तवील आपकी मसरूफियत है रमजान मुबारक में, फिर भी कोई ऐसा वाकया अब तक पेश आया हो जो आप ड्राइव करते हैं उसमें, या कोई पैगाम देना चाह रहे हैं नाज़रीन को, या कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा आज इस बारे में गुफ्तगू। रमज़ान की मसरूफियत गुज़िश्ता दिनों में जिस तरीके से मैंने बताया वो वही मसरूफियत जो है वो चल रही है। प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर हैं फ्रेश वे फूड, उन्होंने जो है एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्रोग्राम को, जिस तरीके से वो जो है ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि इनमें मजीद बरकत अता फरमाए और इनके तमाम काविशों को कबूल फरमाए और इनकी कारोबार में मजीद वसअत पैदा फरमाए। अच्छा, कोई पराठा वगैरह आपने इनका ट्राई किया या नहीं? वाल्ला से मैंने खसूसी बोल के जो है वो मार्केट से। अच्छा, माशाल्लाह। तो गुज़िश्ता दिनों जो है वो वाल्ला लेके आई थी मार्केट से। तो शानूर भाई 5-6 पराठे खा लेते हैं सहरी में, बस अब हाथ यूँ हल्का रखना है कि अपने गले को सीने को भी देखना होता है। और फिर कैसे जब करते हैं शानूर भाई? मतलब मैं भी बहसियत सना ख्वा हो जाती है मुझसे तो बहुत ज़्यादा बेहतियाती होती है। मैं सोचता हूँ यार अभी खा लेता हूँ अगली बार एहतियात, तो ये कैसे कंट्रोल? बस वही बात कि नफ्स पे काबू पाना पड़ता है और ये जो ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात जो हैं उसको थोड़ा सा महदूद हद तक रखने के लिए। तो शानूर भाई एक चीज़ शरीयत में जायज़ नहीं है या गुनाह, चलो उस पर बंदा ख़ुद को ये कह के एग्री करता है या रोकता है कि यार ये काम दीन में मना, अब खाना तो ना कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि मना नहीं मगर फिर भी रोकथाम अपने लिए बेहतर होती है, और ताकि आपका जो आने वाले मराहिल हैं या आपको आने वाली रूटीन के अंदर जो आओ भगत करनी होती है उसके लिए आप पहले से अपने आप को तैयार रखें। तारी में भी इसी तरह हाथ रोके रखें, हल्का हाथ रखें, कोई ज़्यादा ऑयली चीज़ों की तरफ बंदा ना बढ़े। तो ड्राई आइटम्स जो सेम चीज़ जो है वो अफ्तारी में ही अप्लाई करते हैं, मतलब हाथ रोक के रखना है, कंट्रोल कर। मतलब अगर 3 पकोड़े खाने का मेरा दिल है तो भाई मैं 1 खाऊं। हाँ जी, तो क्योंकि वही बात होती है कि हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करते करते जो है वो आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये है शानूर भाई, यही फार्मूला सहरी वाला अफ्तारी में भी अप्लाई रखते हैं। हाँ जी, तो ये होता है कि अफ्तारी क्योंकि हल्की की कम की, तो उसके बाद ये कि नमाज के बाद ईशा की नमाज के बाद जो है वो फिर थोड़ा बहुत खाने का मिजाज बन जाता है, तो फिर वो वालदा जो है वो खुसूसियत तमाम करती हैं रात के खाने का। शानूर भाई मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू हमारी जारी और सारी है, कोई कलाम अगर शामिल करें ज़रूर अपनी पसंद से नाज़रीन के लिए, एक नया कलाम पेश करना समाज के लिए। दिल मेरा फ़िदा जाने हैं क़ुरबान मदीना, दिल मेरा फ़िदा जाने हैं क़ुरबान मदीना, है खुल्द से खूबी में फुजूं शान मदीना, दिल मेरा फ़िदा जाने है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए ख़त्म रसूल आप के अलताफ़ो करम से, अलताफ़ो करम से, ए ख़त्म रसूल आप के अलताफ़ो करम से,
शाहों पे शरफ पा गए दरबान मदीना, शाहों पे शरफ पा गए दरबान मदीना, है खुल्द से खूबी में फुजू शान मदीना, दिल मेरा फिदा जान है। वाह 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 शानूर भाई, बहुत खूबसूरत कलाम और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया, अल्लाह पाक आपका पढ़ना कबूल फरमाए। शानूर भाई, ये मुझे बताइएगा कि कलाम की सिलेक्शन करते हुए क्या सोचते हैं, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि यार इस शायर का कलाम पढ़ूंगा या ये कलाम मुझे पढ़ना चाहिए? कोशिश ये होती है कि कलाम का जो चुनाव हो वो मेयारी हो जी, ताकि जो समाते हैं उसको मज़ीद निखारा जाए। तो अक्सर कोशिश ये होती है कि उन शोरा कराम को ही सिलेक्ट किया जाए या मुंतखब किया जाए कि जिनकी शायराना मिजाज है वो मेयारी है। तो अक्सर मैं अपने परदादा मुर्शिद का कलाम पढ़ता हूँ और बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जिनके बुज़ुर्गों में से ही बुज़ुर्गों के कलाम अक्सर ये महफिल में जो है वो पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। तो ये है कि कोशिश ये होती है कि हमेशा जब भी पढ़ूँ या तो नया पढ़ूँ और जब नया पढ़ूँ तो फिर मयारी पढ़ूँ ताकि कोई अशार पे या किसी और उसकी चीज़ पे कोई उंगली या सवाल ना उठे कि शेर का वज़न हल्का है या इन बातों का बाकायदा ख्याल। फिर तर्ज कैसे शानू सेलेक्ट करते हैं कि यार इस कलाम पे ये वाली तर्ज जो है ना वो अब जचेगी? कलाम क्योंकि समात इतने किए हुए होते हैं कि कुछ कलामों को पढ़ के उनकी बहर जो है वो इस तरीके से माइंड में आती है कि ये इस कलाम के ऊपर ये तर्ज है वो बैठ जाती है, तो उसको पढ़ते हैं और समात करते हैं तो मज़ा आता है, तो उसको जो फिर प्रोग्राम के अंदर जो है वो पेश किया जाता है। तो ये चुनाव रहता है क्योंकि कलाम इतने सुने हुए होते हैं कि आपके पास मजमूए तर्ज जो है वो आपकी समातों में बसा हुआ जो है वो चल रही होती है मुझसे। तो कभी ऐसा होता है कि महफिल में जब आप हाजिर हुए तो किसी ने आपको फौरी कलाम पेश किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पढ़ो, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब भी किसी ने नया कलाम फौरी पेश किया तो उस महफिल में वही कलाम पढ़ा गया है। और तो हुनर की जो है ना वो इसी तरीके से होना चाहिए कि उस्ताद फरमाते हैं कि अगर कोई आपको फिर फौरी कोई कलाम दे दे, चीज़ दे दे, ना हो हकीकतन तो आप फौरन पढ़ सकें उसे। इतनी आप में सख्त होनी चाहिए, इतनी आप में इस्तेआत होनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना शानूर आपके इल्म में आपकी इन कोशिशों में मज़ीद इजाफा फरमाए। हुजूर की सनाखानी के लिए जो आप कोशिशें करते हैं, जो खल्के खुदा की खिदमत में आप मसरूफ़ हैं, अल्लाह आपको इसका सिला दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी 70 गुना ज़्यादा अता फरमाए, और आपके सदके अल्लाह पाक हमें भी इन नेक कामों की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। नाज़रीन कराम, इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है इस यकीन के साथ कि अगली सहरी में आप और हम फिर इंशाल्लाह एक जगह यकजा होंगे और हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपनी 18वीं सहरी में। और मैं शुक्रगुजार हूँ फ्रीडम न्यूज़ का और बिलखसूस फ्रेश वे फूड्स का, जिनके तआवुन से ये खसूसी ज़ौक़े रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी खसूसी दुआओं में मुझे हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। शानूर भाई का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें वक्त दिया, मैसर आए। इंशाल्लाह अगली सहरी में अगले नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान।